हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजात। और भगवान शिव आ चुके हैं असुर और देवताओं की जंग को रोकने, लेकिन तरकसुर तो रुकने को तैयार नहीं। उसे तमले का ऑर्डर भी दे दिया, कहते हैं आप कौन होते हो रोकने वाले। अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। ये देख ना यार, वो एकदम चले गए थे ना। ये कह रहे हैं आज का दिन है। वही ना यार, इनको याद आ रहा है, देख एकदम चले गए यार। वो वहां पे भी हालात खराब थे ना। शंख जो बजे हैं ना होना माते, महादेव बस आते ही होंगे। मैं आपके दुख को भली भांति समझता हूं, जाहिर बात है, परंतु मेरे महादेव के ऊपर सारे ब्रह्मांड का दायित्व है माते। हर चीज देखनी होती है ना। भगवान होने के कारण उन्हें कई अन्य ऐसे समस्याओं का निर्माण करना होता है। ये भी है, मेरे महादेव आ जाएंगे माते। लगता है बड़ी हार्ट होगी यार। जहरी बात आज दिन ऐसा था, पर तो फिर ये सारी मस्ती तरकस वो चाहते ही होगी। वो कमीना ना अगर मस्ती करता ना बीच में। देख क्या रहे हो, ये देवता कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, पर भगवान शिव तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आक्रमण करो देवताओं पर, करो। वाह रुक जाओ तरकसुर, बड़ा बागे। ये सत्य है कि मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे अहंकारी व्यवहार से और तुम्हारे अत्याचार से त्रिलोक की रक्षा अवश्य कर सकता हूँ। अब दान क्या मिला, इनका भी आकार बढ़ गया है। भगवान शिव से चले करने। ओ, कुछ कर रहे हैं। हाँ हाँ कर रहे हैं। सफल करना, क्या करने वाले ये? मैं तो कहता हूँ क्या करने लगे। आग फेंकती है ना। अरे हाय 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 यार, छोड़ दिए तो बाहर देखते हैं ना। पति अब तो सब डर गए ना। अरे क्या हुआ? अबे ओ सांप, सांप भी ये ये तो हो सकता है ना। सब ऐसे ही है, ये तो हो सकता है ना। बंदी को बनाया जा सकता है, है ना। क्या हुआ? मारो ना, जाओ आगे लड़ो ना। क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें बड़ा स्वर्ग चाहिए था। स्वर्ग के मजे लो आप। तुम्हारा जो है ना तरका सुर तो बंदी बन गया। तरका सुर तो उड़ गया वो मारे की तरह। असल में हर हर महादेव, हर हर महादेव। घमंड आ गया था कि महादेव मार नहीं सकता मुझे। सिर्फ क्या क्या थी, सिर्फ अगला गया मार नहीं सकता। धन्य है आप प्रभु, देवताओं की रक्षा हेतु आपका नवविवाहित होना भी आड़े नहीं आया। हम हृदय से आपके आभारी हैं महादेव। बे यार, ये तो भगवान शिव जी का कर्तव्य है यार। महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो।
नरकासुर का भी अहंकार टूटना था, लेकिन वो गया क्या है गुब्बारा बन के। यार बहुत दुखी है यार बेचारे, लेकिन खैर समझ जाएंगी यार, नहीं तो उधर भी यार वो स्वर पे कर लेते ना कब्जा। हर चीज यार भगवान शिव जी के लिए देखनी होती है। वही तो उसको तो सही बारी भगवान शिव जी ने। मैं तो चाहता हूँ किसी दग जी को देसी गुब्बारा बना के उड़ाते हैं। ये क्या है यार, सती माता का दुख समझ आता है यार। वो आ गया अरे सती जी का हमें। हाँ यार इनका मिलन खराब हो गया। वही ना यार, उस पर का सुर की बन रही है। तरका सुर चाहते यही था हाँ, लेकिन फिर छरके निकाल दिए ना तरका सुर के भी। अरे सती जी रो रही है यार। यार जारी बात होता है ना, अभी अभी तो आनी है। थोड़ी सी रुकी हुई लग रही है। आई थिंक सो गई है वो, बस ऐसी करने के लिए आई थी। मुझे लगता है या तो महादेव ने भगवान शिव जी ने हाथ रखा है उनको, शायद सुकून आ रहा है, या वो जानबूझ के ऐसा हो गया। या वो सभी लोग नरकासुर की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ गुरुवर। ये कौन है? भाई क्या पहना हुआ इसने, ये कैसा कवच है? ये कौन है अब? संजीवनी मिलने तक हमने तुम्हारे पिता को शांत रहने के लिए कहा ओ, था। तरकसुर का बेटा, किंतु उन्होंने हमारी आज्ञा की अवहेलना की। कहता संजीवनी, आप तो असुरों के गुरु हैं, यदि आप ही निराश करेंगे तो हम कहां जाएंगे? शीघ्र ही पिताजी को नागपाश से मुक्ति का कोई उपाय बताइए गुरुवर। और हाँ, यदि आपके लिए संकट की इस घड़ी में तपस्या अधिक महत्वपूर्ण है तो मैं लौट जाता हूं, किंतु आप गुरु होने के कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे गुरुवर। विद्वमानी जिस तपस्या पर तुम टिप्पणी कर रहे हो वो भी असुरों के हित के लिए है, समझे? तुम्हें समाधान चाहिए तो सुनो, जिस तरह विष के कुप्रभाव को विष काटता है उसी तरह शिव से रक्षा शिव ही कर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। हमारे पास अंतिम उपाय है। हम समझ गए, किंतु उसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ सकती है। आप बस उपाय बताइए। तो अब हम जो कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। क्या बोलने जा रहे हैं? ओह
उठ गई है सती जी, उठ गई। हाँ लगता है सुबह हो गई है। नहीं नहीं वाकई रूठी हुई है। हाँ थोड़ी सी रूठी यार बस। मैं मानसरोवर स्नान करने के लिए जा रही हूं। थोड़ी सी है नाराज लग रही है। इधर ही बैठो यार, तरका सुर को तो गैस के गुब्बारे की तरह उड़ा दिया। उसका तो सही इलाज किया भगवान से। कहता मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, तो मैं रोक तो सकता हूँ ना बच्चे, तू कहाँ जाएगा। और उसको लगता है ऐसी जगह उठा के फेंका है कि भाई नजर ही नहीं आना किसी। अबे पता नहीं कहाँ फेंका, और उनके सेना भी दे ना कैसे डर के फिर भाग गए। ना फिर शुक्राचार्य जी के बाद उनका बेटा गया, मेरे पिता को ये कर दिया, मैं आपके पिता के काम को सीधे हूँ। तो वो कहता ना तेरा पिता रुका ही नहीं है। महादेव जी से यार एक समझ नहीं आता, ये भगवान शिव जी से वरदान लेके उनके खिलाफ ही ये चीज यूज करता है। ये देखना, ये कह रहा था कि तू अभी फिलहाल कुछ नहीं कर, यानी कि वो ही सती जी के खिलाफ जीवनी आते हैं, इनको मिल जाएगी नहीं आते, मरे हुए बंदे को जिंदा, तो फिर तू करना, यानी कि भगवान शिव से एक चीज लेके भगवान शिव जी के खिलाफ भी वो चीज यूज करना। अंदाजा लगा यार, ये तरका सर ने भी यही किया। अब लगा यार भगवान शिव जी बड़े बोले, देखो उनको बंदे की तपस्या नजर आती कि यार कितनी मुश्किल तपस्या और कितनी कठिन करता है, और ये देखो कितनी तपस्या कर रहे हैं, इनके सारे बाल शाल सफेद हो गए यार, लेकिन इनमें भी अहंकार जिस तरह गुरु बन चुके हैं ना भाई। हाँ, और तरकासुर में भी जिस तरह अहंकार आ गया, वेदांत दे दिया तो क्या तुझे पूरी सल्तनत दे दी ना। और आप दूसरी तरफ सती जी भी बेचारी बहुत नाराज है कि भाई ये मतलब यार असल में पहला दिन था ना मिलन का, टाइम था आप चले गए, यही चीज में लेकिन यार स्वर्ग को भी तो बचाना था ना, तो स्वर्ग में वो कब्जा कर लेते और देवता कुछ भी ना कर। नंदी जी ने भी यही कहा ना कि यार उनके और के पास भी बहुत काम होते हैं, वरना देवता बेचारे कुछ ना, इसलिए वहाँ से महादेव जी को फौरन जाना पड़ा। कितने गुस्से में और क्या उनको रोका भाई, आग वाला सांप लिपट गया और वो भी लाइक भाई मुझे कहाँ लेके जा। अब तो पता ही नहीं है ना, जब बेटा उसके पास लेकर आया पता नहीं वो कौन सी दुनिया में गया। बिल्कुल, अब आगे देखते आगे होता है क्या। इधर ही वीडियो खत्म करते, तो बाय।